तो दोस्तों मैं लॉबी में बैठा हुआ था, तो मैं सोचा था क्या कंटेंट अपलोड किया जाए, क्या कंटेंट अपलोड किया जाए। तो मेरा साथ में आता है किशन, आता है रिक्वेस्ट भेजता है, तो मैं किशन के साथ चला जाता हूँ खेलने के लिए। तो एक मैच के अंदर जाते हैं हम लोग, तो काफ़ी अच्छा खेल रहे रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे को मिलती है मेरी एक गर्लफ्रेंड, क्या भाई सही सुन रहे आप लोग, एकदम मिलती है मेरे को गर्लफ्रेंड जो कि एकदम ओपी सुंदर, एकदम क्या ही बोलूँ, बता नहीं सकता आप लोगों को, एकदम अच्छी वाली। तो मैं यहाँ से सीधे सीधे जाता हूँ और यहाँ से किसी ने आवाज़ देता है, कह रही ये देख क्या ये लड़की क्या सरवाइव कर रही है। भाई ये लड़की अपने पार्टनर का मतलब रैंक बचा रही थी, तो हम लोग इसको माफ़ करते हैं, अपना लूट वगैरह देते हैं। तो पहले चलते हैं उस लड़की के पास, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे साइलेंसर पहले लगा लेते हैं इस कार में जो कि ओपी रहेगी, क्योंकि लड़की पे भरोसा नहीं है भाई। भाई लोग तो देख सकते हो आगे साइड ये लड़की है, क्या ही सर्वाइविंग कर रही है। यहाँ पे ये लड़की अपने पार्टनर का रैंक बचा रही है। सच बोलूँ तो मुझे इस लड़की से प्यार हो गया था, मैं इस लड़की से सोचा था प्यार कर लूँ, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। मैं सोच रहा था काश ये मुझे अपनी अपना दाहिना हाथ बना लेती, तो कितना अच्छा लगता मैं इसके साथ साथ रहता। भाई हाथ पता है ना किस काम में आता है, तो हमें बताओ किस काम में आता है, गांड धोने के। गजब आगे स्वाद। तो भाई लोग ये लड़की से मुझे प्यार हो जाता, मैं सारा अपना लूट पूरा दे देता हूँ इसी लड़की को। और करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। तो मैं इस लड़की के साथ क्या क्या करने के सपने सजाने लगता हूँ भाई, क्या ही बोलूँ मैं, क्या क्या सोचने लगता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है। तो अब मैं इसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ, इसके पीछे पीछे एकदम मजनू की तरह आगे पीछे एकदम डोलने लगता हूँ। आगे पीछे डोलते हो घबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। हालांकि मुझे इस लड़की का चाल चलन सही नहीं लग रहा था, तो मुझे शक हुआ इसके ऊपर, तो बहुत से सवाल उठने लगे मेरे दिमाग में। अब मुझे लगने लगा था ये मुझे धोखा नहीं देगी, अब एकदम पक्का वाला टूरू लग मुझे लगने लगा था। नहीं पहले क्या बोला, चल चल चलो। तो मैंने तो भाई क्या क्या करने का सोच लिया था, मैंने तो अभी सब प्लानिंग एकदम रिसिप्ट बना ली हुई थी। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है? समझ रहे हो? तो भाई लोग तभी मेरा एक बंदा डाउन हो जाता है, यहाँ पे किशन में डाउन हो गया। मुझे लगा कि सामने साइड वाला मैं इनेमी मारा है मेरे दोस्त को, लेकिन जो पीछे से ही मारती है जो वो लड़की थी जो कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसी ने मेरे को मार दिया। देखे आंसू